स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बिजनेस कंपनीज को हम ट्रेडिशनली दो कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक वो जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं, और दूसरी वो जो कम्युनिटी को सर्व करने के लिए स्थापित की जाती हैं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो दूसरी श्रेणी से बिलोंग करती है। एक ऐसी कंपनी जिसने न केवल सदियों से चले आ रहे बिजनेस प्रिंसिपल्स को रिफॉर्मुलेट किया, बल्कि उन्हीं प्रिंसिपल्स को उल्टा करके दिखाया है। ये वही कंपनी है जिसकी ओनरशिप में जैगुआर एंड लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार्स मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। हाल ही में इस कंपनी द्वारा आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को रिप्लेस भी किया गया था। क्या आप गेस कर सकते हैं हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप्स की, जिसने अपनी अलग अलग कंपनीज द्वारा अपनी पहुंच हमारे किचन से लेकर जॉब्स तक बनाई हुई है। दोस्तों, टाटा ग्रुप्स की शुरुआत तो काफ़ी हम्बल थी, लेकिन जमशेद जी टाटा जी के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स ने भी टाटा को ग्लोबल बनाने के संकल्प के साथ दिन रात जो मेहनत की, उसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड टाटा ग्रुप सेवरल प्राइमरी बिजनेस सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें केमिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनर्जी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, मटेरियल सर्विसेज एक्सेट्रा शामिल हैं। आज बिना किसी देर के हम सीधे आपको लेकर चलेंगे टाटा ग्रुप्स की ग्लोबल दुनिया में, जहां हम देखेंगे कि आज इंडिया के अलावा किन किन देशों में टाटा ने अपनी पहचान बनाई है। हम टाटा ग्रुप्स की हिस्ट्री पे एक नज़र डालते हुए समझेंगे कि ग्लोबल विजन टाटा का हमेशा से प्लान था या ये किसी चेयरमैन की स्ट्रैटेजी में शामिल था। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में और जीएस 3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, स्टडी आईक्यू अपना फुली लाइव कोर्स यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए लॉन्च करने जा रहा है, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं और उनके बारे में हम लगातार पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहे हैं। देखिए, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी तो इस कोर्स को डिफाइन करते ही है, और अगर उस डेफिनेशन को आपको और स्ट्रांगली महसूस करना है तो आप AG लाइव कूपन कोड यूज करके इस देश के सबसे बेहतर यूपीएससी प्री प्लस मेंस के कोर्स को सिर्फ 18,500 रुपीस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप के अंतर्गत आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपके वीक एरियाज में काम किया जाएगा। हर एक स्टूडेंट जो इस कोर्स में इनरोल करेगा, उनको गाइड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो अकेडमिक और नॉन अकेडमिक एरियाज में आपकी हेल्प करेंगे, और इन मेंटोर से बड़ी आसानी से आप कॉल, व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। बैचेस की शुरुआत 20th जून शाम 6 बजे से हो रही है। दोस्तों, 1869 और 70 के दौरान जमशेद जी टाटा ने एक छोटी सी कंपनी टाटा ग्रुप्स की नींव रखी, जिसके ग्रैंड विजन्स थे। इनफैक्ट, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने एक बैंक्रप्ट ऑयल मिल को कन्वर्ट करके कॉटन प्रोडक्शन की कंपनी शुरू की थी, जो शुरुआत से ही चाइना और इंग्लैंड की फॉरेन कंपनीज के साथ ट्रेड किया करती थी। 1902 में उन्होंने भारत के पहले लग्जरी होटल को ताजमहल पैलेस एंड टावर के रूप में इनकॉर्पोरेट किया। जमशेद जी टाटा की मृत्यु के बाद 1904 में जब उनके बेटे सर दुराबजी टाटा ने कंपनी की कमान संभाली, तो उनकी गाइडेंस और लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने और तरक्की की, और टाटा ग्रुप की प्रेजेंस स्टील सेक्टर में 1907 में, इलेक्ट्रिसिटी में 1910 में, एजुकेशन में 1911 में, कंज्यूमर गुड्स में 1917 में, और एविएशन में 1932 में, और भी डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में फैलती हुई नजर आई। उसके बाद जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा यानी JRD टाटा, जो सर नवरोजी सकलतवाला के शॉर्ट टेन्योर के बाद चेयरमैन की पोजीशन पे आए थे, उन्होंने कंपनी को कई और न्यू सेक्टर्स में एक्सपैंड किया, जिसमें केमिकल्स 1939 में, कॉस्मेटिक्स 1952 में, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 1954 में, टी 1962 में, और सॉफ्टवेयर सर्विसेज 1968 में शामिल की। 1945 में टाटा ग्रुप ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनीज की स्थापना के साथ अपने यूनिवर्स में एक और सितारा जोड़ा, जिसे हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। 1991 में रतन टाटा ने JRD टाटा को सक्सीड किया। अपनी चेयरमैनशिप के दौरान रतन टाटा ने एग्रेसिवली कंपनी को एक्सपैंड करने पर फोकस किया, ताकि टाटा बिजनेसेस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का होम ब्रांड बन सके। इनफैक्ट, कई लोगों का मानना है कि रतन टाटा एक फ्यूचरिस्टिक लीडर थे, जिन्होंने हमेशा पावरफुल विजन के साथ आगे बढ़ने की सोच रखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चेयरमैन बनने से पहले भी 1983 में उन्होंने JRD टाटा के नेतृत्व में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जिसे अनऑफिशियली टाटा प्लान कहा जाता था। ये डॉक्यूमेंट टाटा ग्रुप के फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट था।
उस समय उन्होंने रिकमेंड किया कि टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ऑपरेशंस में सब्सटेंशियल ग्रोथ सीक करने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को बेहतर ढंग से एड्रेस करने के लिए ग्रुप के रिस्ट्रक्चरिंग के भी सुझाव पेश किए। इसी वजह से टाटा ग्रुप के ग्लोबलाइजेशन के लिए रतन टाटा को क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा जब वो 1991 में चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए, उसी साल इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च हुए और उस समय ग्लोबलाइजेशन एक न्यू कॉन्सेप्ट के रूप में भारत में उभर रहा था। दोस्तों, रतन टाटा इस मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए न केवल बिग एक्विजिशंस में बल्कि भारत के टॉप बिजनेस लीडर्स के बिजनेस माइंडसेट को भी चेंज करने में एक लीडिंग रोल निभाते हुए नजर आए। कई एक्सपर्ट्स तो उन्हें रिवर्स कॉलोनियलिज्म इनिशिएट करने का भी श्रेय देने से नहीं कतराते। रिवर्स कॉलोनियलिज्म का मतलब ये हुआ कि सदियों से दुनिया भर के देशों को यूरोसेंट्रिक कल्चर्स अपने इकोनॉमिक गेन्स के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे थे और अब अलग अलग तरीकों से डेवलपिंग नेशंस इन यूरोपियन नेशंस को एक्सप्लॉइट या ओवरपावर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि भारतीय बाजारों में राष्ट्रवादी उत्साह, इकोनॉमिक पैट्रियटिज्म की जबरदस्त लहर देखी जा रही थी। इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर नया भारत वैश्विक वर्चस्व के लिए तैयार हो रहा था और रतन टाटा द ग्लोबल इंडियन टेकओवर की अगुवाई कर रहे थे। दोस्तों, इस टेकओवर की शुरुआत हुई सन 2000 में टाटा टी द्वारा टेटले के एक्विजिशन से। उसके बाद मानो टाटा ग्रुप एक शॉपिंग बिंज पे निकल पड़ा जब उसने केवल 9 सालों में लगभग 36 कंपनीज को एक्वायर किया। अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप INC के साथ पार्टनरशिप करके टाटा ग्रुप ने टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी के रूप में इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपनी पकड़ मजबूत की। 2004 में टाटा ग्रुप ने साउथ कोरिया के दाइवू मोटर्स ट्रक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर्स को भी खरीद कर साउथ कोरिया में अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू की। 2007 में टाटा ग्रुप ने जायंट एंग्लो डच स्टील मैन्युफैक्चरर कोरस ग्रुप एक्वायर किया, जो भारतीय कंपनी द्वारा कंप्लीट किए जाने वाला बिगेस्ट कॉरपोरेट टेकओवर माना जाता है। उससे अगले साल टाटा ग्रुप ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कदम रखा और 10 जनवरी 2008 को टाटा मोटर्स ने टिनी रियर इंजन पॉप शेप्ड व्हीकल नैनो लॉन्च करके एक और माइलस्टोन अकम्प्लिश किया। जुलाई 2009 में पहली नैनो भारत की सड़कों पर दिखाई दी, जिसकी एंट्री ने कई मिडिल क्लास फैमिलीज के कार ओन करने के सपने को पूरा किया। 2008 में एक और लैंडमार्क अचीवमेंट टाटा ग्रुप ने हासिल की जब उसने एलीट ब्रिटिश ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर कंपनी से खरीदा था। उसके बाद सितंबर 2017 में टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो यूरोपियन स्टील मेकिंग ऑपरेशंस जर्मन स्टील मेकर थाइसन क्रुप के साथ मर्ज कर रहा है। 2018 में डील फाइनल होती नजर आई, जिसके बाद ये यूरोप की सेकेंड बिगेस्ट स्टील कंपनी बन गई उभरी। आज टाटा लगभग 2,46,000 एम्प्लॉयज के साथ 6 कॉन्टिनेंट्स के 100 कंट्रीज से भी अधिक देशों में मौजूद है और कंपनी का शेयर होल्डर बेस 2 मिलियन और मार्केट कैपिटलाइजेशन $57.7 बिलियन से भी अधिक है। 2020-21 में टाटा कंपनीज की टोटल रेवेन्यू लगभग $103 बिलियन थी। इसकी प्रेजेंस UK, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में बड़े पैमाने पर देखी जा सकती है। आइए अपने अगले सेक्शन में इन रीजन्स में इसकी मौजूदगी को विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, जमशेद जी टाटा के समय से ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर टाटा ग्रुप को रन किया जाता था और बिजनेस ऑपरेशंस में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का उपयोग होता था। रतन टाटा की चेयरमैनशिप के दौरान इसी मिशन को और भी एग्रेसिवली परस्यू किया गया। टाटा ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आज कंपनी के टोटल रेवेन्यूज का एक बड़ा हिस्सा भारत में विदेशों से आता है, जिसमें UK और USA मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। टाटा ग्रुप में हर एक ऑपरेटिंग कंपनी की अपनी एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी होती है, जो उसकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी का इंटेग्रल पार्ट फॉर्म करती है। स्ट्रैटेजी को नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज और ग्लोबल स्टेज के कॉम्पिटेटिव डायनेमिक्स के अनुसार तैयार किया जाता है। ग्लोबल लेवल पे टाटा प्रमुख रूप से मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक और चाइना में मौजूद है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका यानी MENA, स्पेशली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC कंट्रीज टाटा ग्रुप के लिए एक ह्यूज और एक्सपैंडिंग मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज में बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं। इस रीजन में टाटा को स्थापित हुए 50 सालों से ज्यादा हो गए हैं। ये वर्तमान में 30+ कंट्रीज में 12,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ 8 क्षेत्रों में 23 कंपनीज के माध्यम से ऑपरेट करता है। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप आज मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से $3 बिलियन से अधिक रेवेन्यूज प्राप्त करता है। जैगुआर लैंड रोवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशंस, वोल्टास, टाटा स्टील, टाटा इंटरनेशनल, इंडियन होटल्स और टाइटन कंपनी जैसी कंपनीज मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका में काफी प्रोमिनेंट प्रेजेंस के साथ देखी जा सकती हैं।
टाटा ग्रुप ने अपनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग एक्सपर्टीज और वेदर कंडीशंस के हिसाब से बनने वाले वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स के लिए कस्टमाइज स्टील सॉल्यूशन के माध्यम से इस रीजन के लैंडस्केप को शेप करने में एक अहम भूमिका निभाई है। ये सऊदी अरेबिया में अपने सभी ऑल वेमेन आईटी सर्विस सेक्टर के माध्यम से क्षेत्र के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का समर्थन करने के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर रहा है। ये अपने सब सी केबल्स के माध्यम से सभी मेजर टेलकॉस की पावर कनेक्टिविटी में भी मदद कर रहा है, जबकि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 24/7 साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स भी चल रहा है। इसके अलावा ये ग्रुप क्षेत्र के ग्लोबल ट्रैवलर्स को आकर्षित करने के लिए अपनी इंडियन वार्म्थ एंड हॉस्पिटैलिटी और ज्वेलरी डिजाइन सेंसिबिलिटीज भी प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS अपने एंटरप्राइजेस और उनके स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए 7,000 से अधिक कंसल्टेंट्स के साथ 12 कंट्रीज में 150 से ज्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है। टाटा कम्युनिकेशंस एक डिजिटल इकोसिस्टम इनेबलर के रूप में होस्टिंग एंड सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन, मोबिलिटी, IoT सॉल्यूशंस एंड एडवांस्ड नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन के साथ फुल सूट ऑफ नेटवर्क एंड मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैगुआर लैंड रोवर की हम बात करें तो ये रीजन के 18 कंट्रीज में 44 डीलरशिप्स के थ्रू प्रेजेंट है। माना जाता है कि लैंड रोवर अपनी इंपॉर्टेंस के कारण यहाँ के इतिहास में इंग्रेव्ड है। करंट रेंज रोवर फैमिली पोर्टफोलियो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिकन एरिया में मोस्ट अवॉर्डेड SUV लाइनअप ऑफ व्हीकल्स में से एक है। टाटा मोटर्स लोकल वेदर कंडीशंस और टेरेन में ऑपरेशन के लिए नेसेसरी रिलायबिलिटी और रेडनेस के साथ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है और उसके कमर्शियल व्हीकल्स GCC और नॉर्थ अफ्रीका में इजिली देखे जा सकते हैं। टाटा स्टील मिडिल ईस्ट टाटा स्टील ग्रुप प्रोडक्ट्स के लिए एक सिंगल विंडो के रूप में फंक्शन करता है। ये रीजन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफरेंशिएटेड स्टील प्रोडक्ट्स एंड सर्विस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट टाटा इंटरनेशनल हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चरल्स डिफॉर्म्ड बार्स, वायर रॉड्स और स्टील रॉ मटेरियल्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिडिल ईस्ट लैंडस्केप के सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के पीछे वोल्टास की MEP एक्सपर्टीज का हाथ है। इन आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में बुर्ज खलीफा, फरारी वर्ल्ड, दोहा फेस्टिवल सिटी, कैंपिंस्की होटल और वेंडोम मॉल दोहा शामिल है। इसके अलावा वॉच और ज्वेलरी में भी टाटा अपनी पहचान पूरे मिडिल ईस्ट में बनाता हुआ नजर आ रहा है। आज टाइटन मिडिल ईस्ट में अपने सभी मेजर वॉच ब्रांड्स की मार्केटिंग करता है और UAE में अपना पहला इंटरनेशनल ज्वेलरी स्टोर तनिष्क भी लॉन्च कर चुका है। दोस्तों टाटा के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी किसी से पीछे नहीं है। आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सभी GCC कंट्रीज में मौजूद हैं, जहां रीजन के फ्लैगशिप ब्रांड्स में टाटा टी, टेटले, टाटा सॉल्ट, कनन देवन और सोलफुल शामिल है। जिस तरह से इंडिया में टाटा के इंडियन होटल्स का अपना नाम और शान है, वैसे इंडियन होटल कंपनीज अवार्ड विनिंग ताज दुबई और रिसेंटली लॉन्च ताज जुमेरिया लेक टावर्स दुबई भी ऑपरेट करती है। दिलचस्प बात यह है कि एनुअल ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2021 में दोनों होटल्स टॉप 10% होटल्स वर्ल्ड वाइड की लिस्ट में शामिल किए गए थे। दोस्तों यदि यूरोप की बात करें तो इस कॉन्टिनेंट में टाटा ग्रुप 1907 से प्रेजेंट है, जब लंदन में टाटा लिमिटेड स्टैब्लिश हुआ था। यूरोप कॉन्टिनेंट में आज 60,000 प्लस एम्प्लॉयज के साथ टोटल 19 टाटा कंपनीज मौजूद हैं। यूरोप के UK की अगर हम बात करें तो 1907 में टाटा लिमिटेड UK में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इनफैक्ट UK में टाटा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स में से एक गिना जाता है, जो 40 से भी अधिक लोकेशंस पे अपने ऑपरेशंस रन कर रहा है। जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स इस रीजन की लीडिंग टाटा कंपनीज मानी जाती हैं। UK बेस्ड टाटा कंपनी कई एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एजेंट के रूप में इंडिया बेस्ड टाटा की ऑपरेटिंग कंपनीज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और बिजनेस डेवलपमेंट में सहयोग देने के साथ साथ टाटा कंपनीज के बिहाफ पे ब्रांड प्रमोशन भी करती है। बेहतरीन टैक्स स्ट्रेटजी, एक्सटर्नल ऑडिटर्स द्वारा कंट्रोल प्रोसेस ऑडिट करना और कंपनी सेक्रेटरी के रूप में सीनियर अकाउंटिंग ऑफिसर नियुक्त करना, इन सब प्रैक्टिसेस के कारण लीगल, रेगुलेटरी और टैक्स कंप्लायंस के मामले में टाटा लिमिटेड की लो रिस्क एपेटाइट मानी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में टाटा ग्रुप 70 से अधिक सालों से मौजूद है। प्रेजेंट टाइम्स में ये नॉर्थ अमेरिका में 13 कंपनीज और 3500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया हेडक्वार्टर्ड मल्टीनेशनल्स मानी जाती है। यहाँ काम करने वाली प्रोमिनेंट कंपनीज में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैगुआर लैंड रोवर, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील और टाटा केमिकल शामिल हैं। एशिया पैसिफिक की ओर बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि इस रीजन में टाटा ग्रुप की प्रेजेंस अर्ली 1970s से है, जब टाटा प्रिसीजन इंजीनियरिंग को सिंगापुर में सेटअप किया गया था।
लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक रीजन में टाटा ग्रुप की 16 से ज्यादा ऑपरेटिंग कंपनीज और 7000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। 3300 प्लस एम्प्लॉयज के साथ सिंगापुर टाटा ग्रुप के लिए एक नोडल इंटरनेशनल लोकेशन की तरह काम करता है। वहीं चाइना के साथ टाटा ग्रुप के लिंक्स 19th सेंचुरी के लेटर हाफ से स्थापित हैं, जब जमशेदजी टाटा ने इंटरनेशनल ट्रेड में अपने करियर की शुरुआत चाइना और इंग्लैंड के साथ ट्रेड करके की थी। सैकड़ों लोग चाइना में टाटा कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं, जिनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील और जैगुआर लैंड रोवर मेजर एम्प्लॉयर्स माने जाते हैं। तो जो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि रतन टाटा ग्लोबलाइजेशन से ऑब्सेस थे, लेकिन रतन टाटा का ओपिनियन था कि वो ऑब्सेस नहीं है, बल्कि गोइंग ग्लोबल टाटा ग्रुप के लिए बहुत समय से ओवरड्यू था, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल में इंप्लीमेंट किया और उसका नतीजा हम सबके सामने है। टेटली एक्विजिशन के समय रतन टाटा ने कहा था कि इट्स अ बोल्ड मूव एंड आई होप दैट अदर इंडियन कॉर्पोरेट्स विल फॉलो। और बेशक आने वाले समय में कई इंडियन कंपनीज को हमने ग्लोबली एक्सपैंड होते हुए देखा और ऑलमोस्ट सभी अपने मुकाम पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि रतन टाटा ने एक ऐसी इंडियन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट अनलीश की है जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज भी रतन टाटा जी के द्वारा चालू की गई गोइंग ग्लोबल की इनिशिएटिव आज भी जारी है। तो दोस्तों, ये थी स्टडी IQ की तरफ से टाटा के ग्लोबल प्रेजेंस की एक झलक। इस पूरे केस स्टडी पे आपका क्या ओपिनियन है? अभी वो कौन से अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर हैं जहां पे इंडिया की अच्छी कंपनीज बाहर जाके भी बेहतर काम कर सकती हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में बताया गया कि इस टॉपिक की UPSC में काफी रिलेवेंस है, जिसको देखते हुए कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज हाउ इंडियन बिजनेसेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू देयर ग्लोबल एक्सपेंशन। कमेंट ऑन दैट। And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।